नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं इस हमारे YouTube चैनल पे। और हमारी ये IPT एक्सेल स्कूल का ट्रेनिंग सेंटर है, जिसमें हम लोग एडवांस एक्सेल, VVA माइक्रो, MS एक्सेल के साथ कंप्लीट MIS रिपोर्ट ऑटोमेशन, जिसमें हमारे नए कोर्स टैबलू एंड BI टूल्स को भी इंक्लूड किया गया है। और आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन जो कि हमारे एक स्टूडेंट और हमारे एक यूट्यूब व्यूअर ने मुझसे पूछा है। बेसिकली उनके पास इस तरह का डेटा है। अब इस डेटा पे हमें क्या करना है कि इसमें से डेट को एक्सट्रैक्ट करना है। और उनका कहना है कि डेट के आगे भी हाइफन लगा है और डेट के पीछे भी, मतलब एक स्पेशल करेक्टर हमने सिंगल कोट दे रखा है, हो सकता है कि ये सेमी कॉलन हो या कुछ और हो, तो चलो सेमी कॉलन मान लेते हैं, सेमी कॉलन है। और मुझे सिर्फ इस डेट को यहां से अलग करना है। हालांकि उनको मैंने फोन पर समझाया था बट वो नहीं समझ पाए, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूं। तो देखिए देखिए हमारे पास एक फाइंड का फॉर्मूला होता है। फाइंड का फॉर्मूला क्या करता है कि किसी भी करेक्टर को किसी सेल के अंदर में ढूंढता है। अब इसके स्टार्टिंग में हमने 1 दे दिया तो पहले नंबर से ढूंढेगा और इसको बताएगा कि क्या पोजीशन है, तो 26 इसका स्टार्टिंग पोजीशन है। उसके बाद फिर वापस हम मिड लगाते हैं, सॉरी फाइंड लगाते हैं, और इस फाइंड में भी फिर वापस हम सेम सेमी कॉलन देते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं 1 दे दूंगा तो 26 ही देगा। बेसिकली मैंने स्टार्टिंग सेमी कॉलन तो ढूंढ लिया, मुझे एंडिंग सेमी कॉलन चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि 26 + 1 कर दिया तो ये 35 आ गया। मतलब कि मेरा डेट 26 से स्टार्ट होके 35 तक चलता है। तो डेट अलग करने के लिए मैंने मिड का इस्तेमाल किया। मिड हमने इसको सेलेक्ट किया और स्टार्ट नंबर कि मिड कहां से स्टार्ट है, तो 26 + 1। और कितना नंबर कैरेक्टर चाहिए, तो मैंने बोला कि एंडिंग सेमी कॉलन माइनस स्टार्टिंग सेमी कॉलन, और हमारे पास हमारा डेट आ गया। एक और माइनस करना पड़ेगा, एक फालतू लेटर आ जाता है क्योंकि ये सेमी कॉलन तक का स्पेस देता है ना, और हमारा डेट आपके सामने है। बट ये 3 अलग अलग सेल पे बना है, मुझे एक सेल में यहां चाहिए। तो चलिए हम फॉर्मूला मर्जिंग मेथड को समझते हैं। हम फॉर्मूला को पहले स्प्लिट करके लगाते हैं ताकि हम उसको रिजल्ट को अच्छी तरह से वेरीफाई कर सके और सिंपली लगा सके। उसके बाद हम क्या करते हैं कि फॉर्मूला को मर्ज करना शुरू करते हैं। हमने कॉपी किया, क्या है B4। अब यहां पे जहां B4 है, B4 के जगह पे B4 का फॉर्मूला इन द ब्रैकेट में डाल देते हैं। यहां भी B4 है तो B4 का फॉर्मूला इन द ब्रैकेट में हम इसको पेस्ट कर देते हैं जहां जहां B4 एग्जिस्ट करता है। B4 क्यों, क्योंकि जो फॉर्मूला हमने कॉपी किया है वो B4 सेल का था। ऐसे हम यहां पे C4 के फॉर्मूले को कहां से कॉपी कर रहे हैं, और जहां पे हमारा C4 है वहां हम उस फॉर्मूले को पेस्ट कर देते हैं इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट ताकि बोर्ड मास मेथड को लेता रहे। इसलिए अब मैं इन दोनों को रखने की जरूरत नहीं, मैं डिलीट भी कर दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मैं इसको कट करूंगा और कट करके मैं यहां रखूंगा तो आप देखेंगे कि हमारे पास रिजल्ट बन गया। अब इतना लंबा फॉर्मूला हो सकता है लिखने में दिक्कत हो, इसलिए मैंने इसको स्प्लिट करके लगाया और लिखा। तो आप लोग भी इस मेथड को यूज कर सकते हो। हालांकि हमारी जो है ऑनलाइन क्लासेस चलती है एडवांस एक्सेल VVA माइक्रो के ऊपर, और हम कुछ वीडियोज यूट्यूब पे भी अपलोड करते हैं, बट यूट्यूब पे हम सारी वीडियोज नहीं अपलोड किए हुए हैं। सर पापी पेट का सवाल है ना, इसलिए तो आप चाहो तो हमारी जो नई DVD आई है, और नई DVD नहीं, इसको हम पेन ड्राइव में कन्वर्ट कर दिया है। अगर आपको पेन ड्राइव चाहिए हमारी, तो हमारी ये पेन ड्राइव या डाउनलोडिंग लिंक चाहिए तो ले सकते हैं, IPTIndia.com पे जाके आप परचेज कर लीजिए, आपको हम पेन ड्राइव भेज देंगे। हालांकि DVD के अमाउंट ही पे कीजिए, फिर भी हमको पेन ड्राइव ही आपको भेजेंगे। और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो मैं वेबसाइट IPTIndia.com पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं डेमो क्लासेस के लिए। और मेरी और भी बहुत सारे वीडियोज आपको अगर नहीं मिल रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें या फिर IPTIndia को यूट्यूब सर्च पेज में सर्च कर लें। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।